हेलो सुल्तान बाबा, सुल्तान जी बाबा, क्या हुआ सुल्तान? बाबू मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सर ये कहाँ पे अरेस्ट किया, क्या हुआ, खैरियत, आप कहाँ होते हैं? राणा सनाउल्ला बताए ना अपना अपना नाम। कानून से कभी भी कोई भाग नहीं सकता है, कानून से कोई भी भाग सकता है। हाँ कानून से तो कोई नहीं भाग सकता, कानून तो बहुत सख्त है, पाकिस्तान का तो फिर बहुत ज्यादा सख्त है। अस्सलाम वालेकुम, जमाजाना पर मकनाना, जैसे अपना एसपी बिवियर, बहुत खतरनाक कराची में एक स्कैम चल रहा है। मेरे भाई के पास आज कॉल आई कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया, सुबह ही सुबह कॉल करते हैं ताकि बंदा चौक के उठ जाए। तो मैंने कहा मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा, ये गालबन सीआईए सदर का नाम, मैंने भी अभी मिस कॉल मारी, मुझे फौरन कॉल करी, तो मैंने उनको थोड़ा सा बहाना बनाने के लिए ताकि मैं उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकूं और आपको बता सकूं कि कितना खतरनाक स्कैम चल रहा है। ये कराची सदर सीआईए सेंटर का नाम ले रहे हैं ये। अभी बात करता हूँ, आप देखें किस टाइप की गुफ्तगू करते हैं ये। आपका मिलाया हुआ नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आपने सर नाम क्या बताया था? किसका नाम जनाब? सर आपने बताया था ना वो भांजे को अरेस्ट कर लिया मेरे। जी जी। तो सर वो कहाँ से किया? अभी मैं पिंडी आया हुआ हूँ, मैं बिजनेस के लिए ना, तो अभी घर पे फोन किया तो घर पे वो तो कह रहे हैं कि हाँ भांजा है नहीं। क्या नाम आपके लड़के का, भांजे का? सुल्तान नाम है। सुल्तान, बिल्कुल राइट, सलमान है सुल्तान। सुल्तान सुल्तान जी जी जी, बिल्कुल राइट सुल्तान। उसके वालिद का नाम कन्फर्म करें मुझे। आमिर नाम है, आमिर। हाँ आमिर का बेटा सुल्तान है ना। जी जी बिल्कुल, अरेस्ट किया हुआ है। बोले तो सर ये कहाँ पे अरेस्ट किया, क्या हुआ, खैरियत, आप कहाँ होते हैं? राणा सनाउल्ला बताए ना अपना अपना नाम। मैं राणा अकरम बात कर रहा हूँ, राणा अकरम पुलिस स्टेशन सीआईए सदर से बात कर रहा हूँ। अच्छा राणा अकरम पुलिस सीआईए सदर से। तो सर ये क्या हुआ, क्या है, क्या आप क्या कर रहे हैं सर? हम सुल्तान की अम्मी का नाम मुझे बताए। सुल्तान की अम्मी का नाम शाहिदा है। शाहिदा है, और कराची कौन सी जगह में रह रहे हैं? सर ये औरंगी टाउन में रहते हैं। औरंगी टाउन में, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे लड़का आपका अरेस्ट किया हुआ है ना सुल्तान? तो सर क्या किया इसने जो आपने अरेस्ट कर लिया? ये किस मुजरिम के साथ अरेस्ट हुआ है, किस मुजरिम के साथ बाहर जा रहा था, ठीक है, मुजरिम के ऊपर लड़की को वाकम एंटर के और लोकेशन के जरिए, ट्रेसिंग के जरिए, लोकेशन के जरिए हमारे उसको ट्रेस किया है। और लड़की के साथ उन लोगों ने, इमरान नाम की लड़की ने जैसी की है और रेप किया है, ठीक है, और जिनके साथ आपका सुल्तान जो गाड़ी में बैठे हुए थे उसको हमने गिरफ्तार किया है। और इमरान साहब है जो जो मुजरिम है, वो आपने आपको बहुत शार्प चलाक समझ रहा था, कभी नंबर ऑफ कर रहा था, कभी ऑन कर रहा था, ठीक है। कानून से कभी भी कोई भाग नहीं सकता है, कानून से कोई भी भाग सकता है। हाँ कानून से तो कोई नहीं भाग सकता, कानून तो बहुत सख्त है, पाकिस्तान का तो फिर बहुत ज्यादा सख्त है। अब बताएं कमरान साहब आप क्या करना है इसके बारे में? तो सर आप बताएं मुझे, अपने ऑफिसर का नंबर दें, कोई बात करें, मुझे बताएं क्या करना है। सर देखो कि इस हमले के मामले में आपका अरेस्ट किया हुआ है, ठीक है, अगर किसी को पता चल जाता है ये सुल्तान लड़का इमरान नाम के लड़के के साथ अरेस्ट हुआ है, इसके ऊपर दफा 109 लग जाती है, 5 साल सजा हो सकती है, 10 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। जो वो इसलिए कि लड़की के साथ जैसे किया और रेप किया है लड़की के साथ, ठीक है। तो आप मुझे कमरान बताइएगा, आप इसको मैंने मीडिया के सामने थाने पेश कर दो या फिर इसको बार बार अरेस्ट करवाना चाह रहे हैं आप? अब मुझे जो भी बातचीत है मुझे फोन पे पर बताएं। अगर लड़के को बार बार लेंगे तो आपको कोई चाय पानी, खर्चा पानी लगेगा, अगर दे सकते हैं तो बता दीजिएगा, वरना नहीं तो मैं इसको उठाने भेज देता हूँ, फिर आप बताइए इसके सामने। तो सर आप मुलाकात आप बता दें, मैं भेज देता हूँ अपने बहनोई को। आपके आने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है, आपके जो देखो कि मैं मीडिया से लड़का बाहर बैठाया हुआ है, किस हमले को मालूम नहीं है, किस तरह लड़के में रेस्ट किया हुआ है। अगर आप लोग थाने में आएगी तो इसका पता चल जाता है, मीडिया को और हमले को, मतैया को भी पता चल जाता है सुल्तान लड़का अरेस्ट किया हुआ है, इसके ऊपर एफ आई आर भी हो सकती है। फिर मुझे ने बोला कि सर ये क्या हुआ, ठीक है। तो सर अभी क्या प्रोसीजर क्या है मुझे बताएं, मैं ताकि उनसे देखो कि चाय पानी तो चाय पानी के लिए सर मिलना पड़ेगा ना। अब वो आपके गैस कैश कॉल नंबर दे देता हूँ, गैस कैश करवा दें और लड़का आपका यहाँ से फॉरन में रिलीज कर देता हूँ। अच्छा गैस कैश ही होगा ये मुलाकात में? सर हमें कैसे पता गैस कैश में आप छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे?
सर आपके बात करवाएंगे तो कहना बात करवाकर गाड़ी में बैठाकर आपके बच्चे के साथ बात करवाएंगे। देखो कि मैं अमले से बात नहीं कर आपके साथ मुलाकात नहीं कर सकता, जिस अमले को मालूम नहीं है। तो सर अभी बात करवाए ना उससे। हाँ मैं सुल्तान से आपकी बात करवा लेता हूँ। अभी करवा दें ताकि मुझे अभी करवा देता हूँ, अभी करवा रहा हूँ। ये बात करें, इसे लेके सुल्तान को ये करें बात। हेलो 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 हाँ सुल्तान, क्या हुआ बेटा? हाँ हेलो सर, ये तो बहुत ज्यादा परेशान है सर। देखो कि इनको मारा बहुत है, ठीक है, इसके मुंह से ब्लैडर निकल रहा है, इससे बात नहीं हो रही है, इसलिए देखो कि सर ये सदर CIA सेंटर में। जी जी ये बड़े साहब है, मैं इससे बात करवा रहा हूँ, ये बात कर ले सर। वो जो सुल्तान है। वालेकुम अस्सलाम सर, कौन बात कर रहे हैं? जी जी मैं रामा अक्रम बात कर रहा हूँ। अच्छा तो सर अभी क्या प्रोसीजर है सर इसका? मिलकर मैं खुद आ जाता हूँ अभी पिंडी से। आप इस वक्त कहाँ पे हैं? सर मैं पिंडी में हूँ। पिंडी में जो ये बच्चा रश किया हुआ, क्या लगता है ये बच्चा आपका? जी सर आप CIA सेंटर सदर में होते हैं ना? जी जी बिल्कुल। सर मैं उधर ही आ रहा हूँ फिर डायरेक्ट पिंडी से, ठीक है? देखिए जो हमने ये मुर्दम रश किया वो, ये क्या लग रहा है ये बच्चा आपका? ये बकौल इनके की भांजा है मेरा, ये बकौल इनके है। तो आपको नहीं लग रहा आपका भांजा है? तो सर मुझे तो अभी आवाज भी ऐसी लग रही है, मुझे अल्लाह ना करे मेरा तो भांजा ऐसा है नहीं। तो मैं मिलकर ही देखूंगा ना कि है भी या नहीं है। चलो मैं कानूनी कार्रवाई करता हूँ, आपको पता चल जाएगा सब घर वाला वो आपको भी, ठीक है? सर ऐसा ना करें सर, जब आप कह रहे हैं मेरा भांजा नहीं तो क्या करूं? तो सर मैं मिलकर पता होगा ना, मुझे मिलकर पता चलेगा ना सर, मैं फिजिकली मिलूंगा ना उनसे, जो भी होगा लेन देन फिर कर लेंगे सर। बात करें लेन देन के बच्चे, बात करें भांजे से बात करें। हेलो सुल्तान, सुल्तान जी बाबा, क्या हुआ सुल्तान? बाबू मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे लेके जा रहे हैं जाने में। तो क्या कर रहा है ये, क्यों लेकर जा रहे हैं, क्यों मार रहे हैं आपको? मैंने कुछ नहीं किया सर। ये जी बोलिए सर, मैं फिर बात करता हूँ सर, ये तो बहुत ज्यादा वो हो गया सर, मैं आ रहा हूँ फिर आप लोगों की तरफ ही आ रहा हूँ। आप CIA CIA सदर में होते हैं ना आप? जी जी, आपको आने के लिए कितना टाइम लगेगा CIA सदर के? सर मैं अगले 2 घंटे में CIA सदर सेंटर में बैठा हुआ हूँ। चलें मैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करता हूँ आप रहने। चलें सर मैं मेरे से पहले इनको पास ही नहीं दी ना आपने सर, मैं फिर इनको बताता हूँ मैं ये क्या किया इन्होंने। अब मैं अभी आ रहा हूँ CIA सदर सेंटर आ रहा हूँ, ठीक है? क्या इनको फांसी दे दूँ? नहीं नहीं इनको ऐसी कुछ वो नहीं करिएगा, ये तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि फांसी हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगा, फांसी हो जाएगी इनको? ये अभी क्या बोल रहे थे सर ये? अच्छा मैं आ रहा हूँ सर, अगले 2 घंटे में आप लोग के पास आ रहा हूँ CIA सदर सेंटर। अरे ये है भाई पूरा स्कैम। और अभी मैं खुद भी कॉल करता हूँ, मैं इकराम राणा इकरामुल्ला टाइप का नाम बताया इन्होंने, और ये यकीन माने अगर ना पता हो तो इंसान सटिया जाए कि ये क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, किससे बात करवा रहा है। मतलब आप जो बोलेंगे कि मेरा भांजा ऐसा है, या मेरा भांजे का नाम ये है, मेरे भतीजे का नाम ये है, या मेरे बेटे का नाम ये, तो वो बोलेंगे हाँ यही बंदा हो। फिर पूरा एक प्लानिंग करके ना हर बंदे को बिठाया हुआ होता है, एक ऑफिसर है, ये खुद जो बात कर रहा था पहले वो भी इकरामुल्ला था, फिर जो बाद में ऑफिसर से बात करवाई वो भी राणा साहब राणा इकरामुल्ला, आखिर में उसका यही फ्रॉड होता है कि पैसे किसी तरह मैं मंगवा लूं और मिलने नहीं है क्योंकि सजा हो जाएगी, तो फौरन जैस कैश करो तो इंसान पागलों की तरह। तो अपने बच्चों का नाम ना बताया करें, फौरन उनसे पूछा करें आप कौन है, उनसे इन्वेस्टिगेट किया करें और कोशिश किया करें फिजिकली मिले, वरना ये हाल होगा जिस तरह इसको मैंने कितनी देर ये सिर्फ अपनी वजह से कि मैं आप लोगों को समझा सकूं उलझाए रखा। तो प्लीज बी अवेयर, इस टाइप की वीडियो या इस टाइप की कॉलिंग अगर आपके पास आए तो उस पर ध्यान ना दें, ख्याल रखें अपना बहुत सारा।
पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में। जज़ाकअल्लाह।